राधे राधे भक्त प्रेमियों, आज आपके लिए श्री राधा जी का एक सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन राधा जी सखियों संग यमुना किनारे बैठी सत्संग कर रही थी। अचानक एक सखी की नज़र उनके पैर पर चली गई। पैर में घाव से हल्का हल्का खून रिस रहा था। सबने चौंक कर पूछा, यह चोट कैसे लगी राधेजू, बताइए, जल्दी से बताइए। राधा जी ने बहुत टालना चाहा, किंतु उनकी सखियां उनसे जिद करने लगी कि आप बताइए। राधा जी ने कहा, यह एक पुराना घाव है। सखी बोली, पुराना कैसे राधेजू, इससे तो खून निकल रहा है। पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं, कैसे लगा ये घाव? राधा जी ने कहा, सखियों, एक दिन खेल खेल में मैंने कन्हैया की बांसुरी छीन ली। बांसुरी के छीना झपटी में उनके पैर का नाखून लग गया। यह घाव उसी चोट से लगा। गोपियों ने पूछा, कन्हैया को मथुरा गए तो कई बरस हो गए हैं, ये घाव अब तक सूखा क्यों नहीं है? राधे जी बोलो। राधा जी बोली, सूखता तो तब ना जब मैं सूखने देती, मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। सखियाँ तो चौंकी, ऐसा क्यों करती हो राधे? राधे जी ने कहा, वो इसलिए सखियों, कन्हैया रोज सपने में आकर इस जख्म का उपचार करते हैं। उपचार के लिए ही सही कन्हैया मेरे सपने में आते हैं। अगर घाव सूख गया तो क्या पता वो सपने में आना ही छोड़ दे। सखियों की आंखों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा प्रेम था हमारे प्रेमाधार श्री राधा कृष्ण का। प्रेम से बोलिए राधे राधे श्री राधे।